Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on unit 5, that is flow through open channel. Now today's video lecture we will discuss the last topic of this unit, that is topic 5.5. Now vision mission of the program, then vision of the program, then these three are the mission of the program. Now the next, learning outcome, course outcome and program outcome. Now the course outcome of this unit is find the fluid flow parameter in open channels, then PO map, PO1, PO4, PO6 and PO7 map from this CO. Now the learning outcome of this topic is describe the procedure of finding velocity and discharge using the given flow measuring devices. So these are about the course outcome, program outcome and learning outcomes. Now the first topic of this video lecture is velocity measuring devices. अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से डिवाइस यूज़ किए जाते हैं फॉर द मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल्स. फॉलोइंग आर द वेरियस डिवाइसेस यूज फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो. फर्स्ट करंट मीटर, पिटोट ट्यूब एंड फ्लोट्स. सो दीज थ्री आर द मेन डिवाइसेस used to measure the velocity of flow in open channels. अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वो डिवाइस कैसे यूज़ करता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे. फर्स्ट इज करंट मीटर. ए करंट मीटर इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच हैज़ रिवॉल्विंग एलिमेंट्स सच एज कप विच रिवॉल्व्स. When the current meter is immersed in flowing water, it is used to measure the velocity of flow in open channels. Current meter क्या है, एक simply एक mechanical device होता है, ठीक है. उसमें क्या होता है, एक कुछ revolving elements होते हैं और we can say component parts होते हैं, such as cups हो गया जो आपके bottom में रहेगा, जो revolve होता है cup जब आपका current meter immersed रहेगा flowing फ्लूइड में इन ओपन चैनल्स में, ठीक है. तो यूजिंग दिस कप वी विल मेजर द वेलोसिटी, देन इट इज़ यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल्स. तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो करंट मीटर है वो ओपन चैनल्स में ही यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो. इस तरह का एक डिवाइस होता है, नीचे में आपको कप मिलेगा, ठीक है, फ्लोटर रहेगा, ऊपर में एक चेन रहेगी, जो आपका कप रहेगा वो इमर्ज रहता है वाटर में और ड्यू टू फ्लोइंग फ्लूइड वो कप रिवॉल्व होता है. ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशन हमें कुछ रीडिंग्स मिलती है जिससे कि हम डिटरमाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल्स. द नेक्स्ट, फ्लोट्स. फ्लोट्स इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट जनरली मेड ऑफ वुड और अदर मटेरियल्स. फ्लोट क्या होता है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो जनरली किससे बनता है, आपके वुड या फिर अदर मटेरियल से, विच इज़ लाइटर देन वाटर. जो आपका जो उसका वेट रहता है वो हमेशा लाइटर होता है देन वाटर, सो दैट इट नेवर सिंक्स, जिसके कारण कि वो पानी में डूबता नहीं है. इट इज़ यूज टू मेज़र सरफेस वेलोसिटी एट एनी सेक्शन. हम फ्लोट की मदद से सरफेस वेलोसिटी मेज़र करते हैं किसी भी सेक्शन की. The velocity can be measured by the observing time taken by float to travel known distance. अब हम इससे velocity कैसे measure करते हैं, जब हम float को one place से another place तक travel करते हैं with known distance. So by this observing हम
कैलकुलेट करते हैं सरफेस वेलोसिटी को। यहाँ पर एक फ्लोट दिया हुआ है, सरफेस फ्लोट एंड सेकंड फ्लोट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ट्रेवल रहेगा, ये डिस्टेंस हमें पता होता है, हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि सरफेस फ्लोट से लेके कंसलेटर फ्लोट तक उसको कितना टाइम लगा टू ट्रेवल द पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो उससे हम मेज़र करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो को। द नेक्स्ट है फ्रॉट्स नंबर। इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इज कॉल्ड फ्रॉट्स नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय एफ आर। फ्रॉट्स नंबर क्या है? इट नथिंग बट द रेशियो, लेकिन किसका? स्क्वायर रूट ऑफ किस चीज़ का रेशियो है? इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ आर से। देन सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉट्स नंबर, व्हेन योर एफ आर इज इक्वल टू वन देन फ्लो इज क्रिटिकल। जब भी आपका फ्रॉट्स नंबर वन आएगा तो वो फ्लो रहेगा आपका क्रिटिकल। जब आपका एफ आर ग्रेटर देन वन रहेगा तो रहेगा आपका फ्लो सुपर क्रिटिकल, और जब आपका एफ आर लेस देन वन आएगा तो आएगा आपका फ्लो सब क्रिटिकल। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉट्स नंबर। सो दीज आर ऑल अबाउट द यूनिट 5। दिस टॉपिक असाइनमेंट विल बी अपलोडेड इन गूगल क्लास रूम। थैंक यू।